हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीबी पंत यूनिवर्सिटी की, जिसकी काउंसलिंग प्रोसेस जो इस फीलिंग है कल की डेट से स्टार्ट होने वाली है। तो उसके बारे में रिगार्डिंग जितना भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है, किस तरह से आपको चॉइस फिलिंग करना है, क्योंकि सारा जो आपका एडमिशन प्रोसेस है वो आपके चॉइस फिलिंग पे ही डिपेंड होता है। अब हम इस वीडियो में सारा कुछ डिस्कस करेंगे। कोई भी डाउट है वो इस वीडियो को देखने के बाद नहीं रहेगा। तो जो स्टूडेंट्स चॉइस फिलिंग हमारी टीम से करवाना चाहते हैं या काउंसलिंग प्रोसेस पूरा कम्प्लीट हमारी टीम के द्वारा करवाना चाहते हैं, तो वो नीचे के दिए गए नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारा काउंसलिंग टीम जो है आपसे कॉन्टैक्ट कराएगा और आपका जितना भी काउंसलिंग प्रोसेस का स्टेप है वो हमारी टीम के द्वारा कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो नीचे दिखाई दे रहे आपको स्क्रीन नंबर पे आपको कॉन्टैक्ट कर लेना है, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में बताते हैं कि कैसे चॉइस फिलिंग करना होता है, उसके साथ साथ किस तरह से डिपेंड होता है कि चॉइस फिलिंग यदि सही से हुआ तो किस तरह से आपको सीट अलॉट होता है, ठीक है। सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपके यहाँ पे जीबी पंत यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसमें एडमिशन प्रोसेस है वो आप दो तरह से ले सकते हो। सबसे पहले उनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम्स होता है, इस एंट्रेंस एग्जाम्स को आप देकर जो है आप जीबी पंत यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। ये जो है जीबी पंत यूनिवर्सिटी वेटनरी कोर्सेज के साथ एग्रीकल्चर कोर्सेज एंड बीटेक के कोर्सेज भी जो है इस कॉलेज से आप कर सकते हो। इसकी आईसीआर रैंकिंग की बात करें या ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो इसका रैंक है वो थर्ड रैंक कहता है। इसका मतलब इंडिया की ये टॉप कॉलेज है, जिसकी फीस भी थोड़ा अदर कॉलेजेस की बेसिस पे थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और चॉइस फिलिंग के बारे में बात करते हैं, जो कि आपकी कल की डेट से स्टार्ट होने वाला है। ये वो ऑफिशियल नोटिस है जिसमें आपका जो है अनाउंसमेंट किया गया था, जो कि 23 को आपको यहाँ पे जो है नोटिस जारी किया गया था जीबी पंत के द्वारा कि इससे आपको 12 तारीख से आपका चॉइस फिलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा। कट ऑफ भी यहाँ पे बताया गया, तो 12 तारीख से मतलब आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो, 17 तारीख तक आपका चॉइस फिलिंग चलेगा। अब यहाँ पे सारा कुछ डिपेंड होता है आपका चॉइस फिलिंग के, जिसकी अच्छी रैंक होती है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं चॉइस फिलिंग में बहुत सारी गलतियाँ कर देता है, जिसकी वजह से उसको वो रैंक के अकॉर्डिंग उनको बेस्ट कोर्सेस है वो मिल नहीं पाता है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना होगा चॉइस फिलिंग करते टाइम। उस तरह से आप जो है चॉइस फिलिंग करना है कि आपका जो रैंक है, मान लीजिए किसी का अच्छा रैंक है तो उसको किस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि वेटनरी की बात करें तो वेटनरी के लिए अप्लाई करना चाहिए, या बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, या फॉरेस्ट या बीटेक कोर्सेज के लिए, या पीसीएम से हो तो बीटेक कोर्सेज के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ इसमें कम्युनिटी साइंस कोर्स भी करवाया जाता है, तो यदि आपका रैंक हाई हो तो आप कम्युनिटी साइंस भी इस कॉलेज से कर सकते हो। तो इसके लिए आपको जो है टॉप रैंक में रहना होगा, क्योंकि इसका जो इंडिया की टॉप कॉलेज है तो इसमें हाई रैंकर वाले स्टूडेंट ही एडमिशन ले पाते हैं, चाहे वो आईसीआर की बात करो, चाहे वो आपका इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करो। तो यहाँ पे आपका चॉइस फिलिंग जो है वो चलने वाला है 12 से 17 तारीख तक। तो जो स्टूडेंट्स हमारी टीम से काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, नीचे स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहे हैं, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपका चार्ज रहेगा वो 299 आपका रुपीज़ है वो आपका चार्ज रहेगा, जिसमें सारा प्रोसेस है हमारी काउंसलिंग टीम के द्वारा कर दिया जाएगा, ठीक है। आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब हम आगे की बात करेंगे, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब होगा। आपका रिजल्ट है वो 23 तारीख को रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा, चाहे आप वेटनरी के हो या चाहे यूजी प्रोग्राम के लिए अप्लाई किए हो, ठीक है। तो 23 को आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा आपकी ऑफिशियल साइट पे। उन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो आपका 26 से 28 के बीच में होने वाला है, ठीक है। उसके बाद जो है 26 से पीजी प्रोग्राम्स के लिए आपका एमएससी और एमटेक कोर्सेज के लिए जो है काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी जो है आगे 29 से 30 तक चलेगा, सीट अलॉटमेंट 27 तक होगा। और वेरिफिकेशन पीएचडी की हम बात करें 20 पीएचडी स्टूडेंट्स को, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पीएचडी स्टूडेंट्स का 1 तारीख तक होगा। आपका यूजी प्रोग्राम्स का कट ऑफ यहाँ पे दिया हुआ है कि इतना रैंक जिनके है वो काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करें, ठीक है। ये जो आपका यहाँ पे दे रखा है फर्स्ट राउंड के लिए, तो ये स्टूडेंट है जरूर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें और अच्छे से काउंसलिंग प्रोसेस करवाएं, जिससे कि अच्छी आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको कोर्स है वो अलॉट हो जाए। सबसे पहले इस यूनिवर्सिटी में या इस कॉलेज में एडमिशन लेना भी सबसे बड़ी बात है, तो एक मौका आपके पास है यदि आपका रैंक है तो जरूर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें एंड अच्छा से अच्छा कोर्सेस है वो लेने की कोशिश करें, ठीक है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। यदि किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो वो हमसे डिस्कस कर सकता है, और साथ ही साथ जो स्टूडेंट हमारी टीम से काउंसलिंग करवाना चाहते हैं उस स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।